देखने वालों को दूसरों में गलती दिखती है, देखने वालों को दूसरों में गलती दिखती है और दृष्टि वालों को अपने में गलती मिलती है। जिसका दूसरों से नहीं अपने आप से है मुकाबला, जिसका दूसरों से नहीं अपने आप से है मुकाबला, उसके एक इशारे पर दुनिया झुकती है। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? मैं गुरु मां रुक्मिणी स्वागत कर रही हूँ आपका हमारे राशिफल में। आज जानेंगे जुलाई मंथ हम सबके लिए कैसा जाएगा, क्या क्या घटनाएं इसमें होने वाली हैं, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, क्या सावधानियां रखनी है और लास्ट में उपाय भी बताऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जानेंगे जुलाई मंथ के हमारे व्रत और त्योहार। 2 जुलाई को योगिनी एकादशी मनाई जाएगी, 7 जुलाई को जगन्नाथ यात्रा होगी, 17 जुलाई को देवशयनी एकादशी होगी, 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के दिन हमारी साधना स्थली पर गुरु प्रसाद जो है वो वितरित किया जाएगा, भंडारा उस दिन किया जाएगा। 12 बजे से भंडारा प्रारंभ होगा सभी शिष्यों के लिए, सभी भक्तों के लिए और जितने भी गरीब हैं उन सभी के लिए ये भंडारा उपलब्ध होगा। और खासतौर पर अगर कोई व्यक्ति बीमार है, बहुत समय से उसकी बीमारी जा नहीं रही है, तो उनके लिए भी विशेष प्रसाद जो है वो उस दिन बनाया जाएगा। आप उसको ग्रहण करें या बीमार तक पहुंचा दें, अवश्य ही आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जो भी शिष्य हैं, भक्त हैं और वो इसमें योगदान करना चाहते हैं तो स्कैनर आपके सामने है, उससे स्कैन करके आप योगदान कर सकते हैं। एक नजर डाल लेते हैं ग्रहों पर, कौन सा ग्रह परिवर्तित करेगा और हमारे जीवन पर क्या असर डालेगा। सूर्य जो है वो 16 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, चंद्रमा जो है महीने की शुरुआत में वृषभ राशि में और अंत में मिथुन राशि में गोचर करेंगे, मंगल 12 जुलाई को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, बुध 19 जुलाई को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, बृहस्पति जो है वो वृषभ राशि में बने रहेंगे, शुक्र 7 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 31 जुलाई को सिंह राशि में परिवर्तित होंगे, शनि कुंभ राशि में बने रहेंगे और वक्री बने रहेंगे, राहु मीन राशि में और कन्या राशि में केतु बने रहेंगे। मिथुन राशि वालों, चलिए जानते हैं जुलाई का महीना आपके लिए क्या लेकर के आएगा। आप मुझे कहीं जाते हुए दिखाई दे रहे हैं फैमिली के साथ, आप किसी वेकेशन पे जा सकते हैं या अपने किसी रिश्तेदार के घर जा सकते हैं इस महीने में, या फिर आप किसी के मैरिज में भी जा सकते हैं। फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड होता दिखाई दे रहा है, आपके कजन्स के साथ आपका अच्छा टाइम स्पेंड होते दिखाई दे रहा है, रिश्तेदारों के साथ अच्छा टाइम आप स्पेंड कर रहे हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा खुशियाँ लेकर के आएगा। तो मेल जोल जो है वो आपका बढ़ेगा इस महीने में, तो स्टार्ट में तो ऐसा ही दिख रहा है। थोड़ा सा खर्चे बढ़ जाएंगे क्योंकि कहीं जाओगे, देना भी पड़ेगा, अपना कपड़े भी खरीदोगे, कोई काम भी आपको करना पड़ेगा, आने जाने का भी खर्चा होगा, तो थोड़े से पैसों को लेकर के आप थोड़े से तंग हो सकते हैं, थोड़े से मतलब खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ा कंसर्न रह सकता है। बिजनेस की बात करें तो इस समय में जो है अपने बिजनेस पे आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ आपका बिजनेस जो आपसे अटेंशन मांग रहा है, जो आप नहीं दे पा रहे हो, और कोई ऐसा व्यक्ति है वहाँ पर, अगर आप कहीं जा भी रहे हैं और ज़्यादा लंबे समय के लिए जा रहे हैं तो बहुत केयरफुल होकर के जाएंगे और बार बार अगर आप उसमें इन्वॉल्व होते रहेंगे, उनसे पूछते रहेंगे क्या चल रहा है, तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कोई एक व्यक्ति आपके बिजनेस पे ऐसा आपको इस महीने टकरा सकता है या मिल सकता है या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, जिसकी वजह से आपको कोई नुकसान जो है वो लॉस जो है वो हो सकता है। खासकर आपका कोई कस्टमर है, क्लाइंट है, वो आपसे छूट सकता है आपके किसी स्टाफ की गलती की वजह से, तो वहाँ थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। जॉब की बात करें तो जॉब में अच्छा ही बना रहेगा, खासकर लेडीज़ जो हैं इस समय में, आपको अगर लेडी बॉस हैं आपके या लेडी कोलीग्स हैं तो उनसे खास आपको हेल्प मिल सकती है। अगर उनके साथ कोई आपका प्रोजेक्ट है तो वहाँ आपको विशेष हेल्प मिलेगी। थोड़ा सा इमोशनली पता नहीं ऑफिस में किसी के साथ इन्वॉल्व होते आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो उससे थोड़ा बचेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, वरना जॉब के लिए अच्छा ही रहेगा। अगर आप कहीं नया इंटरव्यू देने जा रहे हैं और वहाँ पर कोई फीमेल आपका इंटरव्यू ले रही हैं तो वहाँ भी आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी, आपको स्पेशली कंसिडर किया जाए। चाहे वो आपके मन का कष्ट, तन का कष्ट या धन का कष्ट, हमारे भगवान श्री शनिदेव की कृपा से सिद्ध दरबार में हर चीज का निवारण होता है। एक और भक्त के साथ भगवान शनिदेव ने चमत्कार किया है, चलिए जानते हैं। मैं यहाँ गुरु माँ के दरबार में आया था अपनी निजी समस्याएं लेके, मेरी सब समस्या दूर हो गई। गुरु माँ का दरबार बहुत अच्छा है दुख तकलीफ के लिए, यहाँ अपनी तकलीफों को दूर करने के लिए सभी को आना चाहिए। माँ का दरबार
वीरवार को लगता है, हर वीरवार को फ्री है, यानी कोई लेना देना किसी टाइप का नहीं है। दरबार लगना चाहिए, गुरु माँ अगर दरबार लगाएगी तो सभी जितने भी तकलीफ है लोगों को वो सब दूर होंगी। इस समय में आपको कोई व्यक्ति हेल्प ऑफर कर सकता है या कोई व्यक्ति आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा सकता है, लेकिन आप उसको बिल्कुल मना कर देंगे, आप अभी उस स्टेट ऑफ माइंड में मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों को लूज मोशन इस महीने में हो सकते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा ख्याल रखेंगे। और पैरों में खासकर प्रॉब्लम, पैरों में सूजन होना या पैरों का बहुत ज़्यादा गर्म होना या पैरों पे कुछ रेडनेस होना, इस तरीके की प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है, खासकर आपके पंजों में, तो उसका थोड़ा आपने ख्याल रखना है। स्टूडेंट्स की बात करें तो उनकी एनर्जी चेंज होती दिखाई दे रही है, जो आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, उससे आप इस महीने में काफ़ी कुछ समझने वाले हो जाएंगे। आप अपने चैप्टर्स को बहुत इजीली कवर कर पाएंगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे बच्चों का खेल हो गया, ये तो इजीली हम कर पा रहे हैं। तो एजुकेशन में जो है वो आपका मन जो ना लगने से इस महीने लगने लगेगा, और कोई ना कोई मोटिवेशन आपको मिलेगा, साथ में किसी के स्टडी कर सकते हैं या किसी मोटिवेशन की वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो वो अच्छा ही दिख रहा है। फैमिली लाइफ की बात करें तो आपस में हस्बैंड वाइफ का जो है वो बहुत ज़्यादा कोई ऐसा हैप्पी भी नहीं दिख रहा, कोई बुरा भी नहीं दिख रहा है, ठीक ठाक जो है वो आपका चलता रहेगा। थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन आपके पार्टनर को आपसे ज़्यादा हो सकती है, जिसके ऊपर आप खरे नहीं उतरेंगे, तो उनका मन थोड़े समय के लिए दुखी हो सकता है। अदरवाइज ऐसा कोई मेजर इशू इस महीने फैमिली लाइफ में आता नहीं दिखाई दे रहा। अगर आपके पार्टनर जो है वो आपसे दूर रहते हैं, तो आपका बहुत ज़्यादा इस महीने मैसेजेस पे बात हो सकते हैं, आपको उनके द्वारा कोई मैसेज में भी स्पेशल बात बोली जा सकती है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। जो कपल्स हैं उनके लिए कुछ विशेष दिखाई दे रहा है, आप एक दूसरे के प्रति और ज़्यादा डिवोटेड हो जाएंगे। अगर आपको ऐसा डाउट हो रहा था कि मेरे पार्टनर जो है वो लॉयल नहीं है, तो वो अपने आपको प्रूव करेंगे इस महीने में कि वो लॉयल है आपके प्रति। और या आपको अगर ज़रूरत पड़ी है प्रूव करने की, तो आप अपने पार्टनर को प्रूव करेंगे, जिसकी वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो रिलेशनशिप है, बॉन्ड है, वो और ज़्यादा स्ट्रांग होगा। इस समय में घर में बहुत ज़्यादा कूड़ा आपका मच सकता है, कूड़ा कचरा ज़्यादा हो सकता है, जाले ज़्यादा लग सकते हैं, चिड़िया द्वारा किसी के घर में घोंसला भी बनाया जा सकता है, और उस तरह की थोड़ी छोटी छोटी पत्तियाँ या टहनियाँ भी आपके घर में जो है वो आ सकती हैं। चलिए अब मंत्र के महा उपाय के बारे में जानते हैं। ये जो उपाय है सभी राशि के लिए है, कोई भी राशि का जातक इस उपाय को कर सकते हैं। खास जो उपाय बताने वाली हूँ धन का है। अगर आपके घर में धन टिकता नहीं है, धन आते ही गायब हो जाता है, खर्च हो जाता है, पता नहीं चलता है कहाँ होता है, तो ऐसी स्थिति में आपको इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। ये जो उपाय है अगर आप इसे सीख करके करते हैं, यानी कि पाठ करना है श्री सूक्त का, अगर आप सीख लेते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो सुन के भी आप इसको कर सकते हैं। आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं या किसी भी गूगल वगैरह पे सर्च कर लीजिए श्री सूक्त। श्री सूक्त की 15 ऋचाएं जो ऋग्वेद से निकाली गई हैं, अगर उसका पाठ निरंतर किसी घर में होता है, तो कहा जाता है उस घर में विपुल धन धान्य हमेशा बढ़ता रहता है, कभी भी कम नहीं होती है, और पैसे की स्ट्रीम्स जो है वो खुलती रहती है। तो ऐसे में आप श्री सूक्त कोशिश करिए, थोड़ा संस्कृत में है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बार बार सुनने से आपको याद हो जाएगा, तो अगर स्वयं इसका पाठ कर सके तो सर्वोत्तम है। नहीं कर सके तो सुन लीजिए, उसके साथ बोलने का प्रयास कीजिए, वो भी ना कर सके तो सुबह कम से कम श्री सूक्त पाठ आप अपने घर में चला लीजिए। श्री सूक्त को माता लक्ष्मी के सामने नित्य करने से लाभ की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, घर में धन की कभी भी कमी नहीं होती है। ये था जुलाई महीने का महा उपाय। एक जरूरी सूचना आपके साथ और शेयर करना चाहेंगे, दरबार जो है वो मंगलवार और शनिवार को भी लगाने का हम प्रयास कर रहे हैं, अन्य किसी जगह व्यवस्था हो रही है जहां हम और ज्यादा लोगों से मिल सके, निशुल्क आपकी कुंडली देख सकें, आपकी नारियल को मंत्र सिद्ध कर सकें, फल को मंत्र सिद्ध कर सकें, निशुल्क आपके उपाय कर सकें। तो ये जो इंफॉर्मेशन है कि दरबार कहाँ लगेगा समय समय पर, वो आपको हमारे व्हाट्सएप के द्वारा दे दिया जाएगा, तो व्हाट्सएप नंबर जो आ रहे हैं उसका स्टेटस चेक करिए, या फिर अगर जो ग्रुप है हमारा गुरु माँ के लाडले आप उसके अंदर जुड़े हुए हैं, तो उसके द्वारा भी आप जो है इस इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे आप जाइए, वहां से भी ग्रुप की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ये जो महीना है आप सबके लिए बहुत अच्छा हो, ऐसा मैं प्रार्थना करती हूँ। जुलाई मंथ की बहुत सारी शुभकामनाएं, सब कुछ शुभ हो, सब कुछ अच्छा हो। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा।